हमारी यादें हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। हमें अपने अतीत को याद रखने में मदद करती हैं, कौशल सिखाती हैं और बनाए रखती हैं और योजना बनाते हैं। और उन कंप्यूटरों के लिए जो अक्सर हमारे विस्तार का काम करते हैं, स्मृति या मेमोरी ऐसी ही भूमिका निभाती है। चाहे वो 2 घंटे की फिल्म हो, 2 शब्द की टेक्स्ट फाइल हो या दोनों को खोलने के निर्देश हो, कंप्यूटर की मेमोरी बिट्स या बाइनरी डिजिट्स के रूप में मौजूद होती है। इनमें से हर एक को एक मेमोरी सेल में स्टोर किया जाता है जो 2 संभावित मानों 0 और 1 के बीच अदला बदली कर सकता है। फाइलों और प्रोग्रामों में इस तरह के लाखों बिट होते हैं जो केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में संसाधित होते हैं, जो कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है। और जैसे जैसे संसाधित होने वाली बिट्स की संख्या तेजी से बढ़ती है, कंप्यूटर डिजाइनरों को आकार, लागत और गति के बीच निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कंप्यूटर में तात्कालिक कार्यों के लिए अल्पकालिक स्मृति होती है और अधिक स्थायी भंडारण के लिए दीर्घकालिक स्मृति होती है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उन निर्देशों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक मेमोरी के भीतर एक क्षेत्र आवंटित करता है। जब आप वर्ड प्रोसेसर में एक कुंजी दबाते हैं तो CPU डेटा के बिट्स को पुनः प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी एक स्थान तक पहुंच जाएगा। ये नए को संशोधित या बना भी सकता है। इसमें जो समय लगता है उसे मेमोरी की लेटेंसी कहा जाता है। और क्योंकि प्रोग्राम निर्देशों को जल्दी और लगातार संसाधित किया जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी के भीतर सभी स्थानों को किसी भी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का सबसे आम प्रकार डायनामिक रैम या ड्रैम है। प्रत्येक मेमोरी सेल में एक बहुत ही छोटा ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करते हैं। 0 जब कोई चार्ज नहीं होता और 1 जब चार्ज होता है। इसे गतिशील कहा जाता है क्योंकि ये केवल थोड़ी समय के लिए चार्ज रखता है। डेटा को बनाए रखने के लिए इसे समय समय पर रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। आधुनिक CPU के लिए 100 नैनोसेकंड जितनी छोटी इसकी विलंबता बहुत लंबी है, इसलिए स्थैतिक रैम से निर्मित एक छोटी उच्च गति वाली आंतरिक मेमोरी कैश भी है। ये 6 इंटरलॉक्ड ट्रांजिस्टर से बना है जिन्हें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। SRAM कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद सबसे तेज मेमोरी है, लेकिन ये सबसे महंगी भी है और ये DRAM से 3 गुना अधिक जगह लेता है। रैम और कैश केवल तब तक ही डेटा धारण कर सकते हैं जब तक उनमें चार्ज होता है। डेटा को बनाए रखने के लिए इसे एक दीर्घकालिक स्टोरेज डिवाइस में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जो 3 प्रमुख प्रकार में आता है। चुंबकीय भंडारण में, जो कि सबसे सस्ता होता है। डेटा को चुंबकीय फिल्म से कोट की गई डिस्क पर चुंबकीय पैटर्न के रूप में संग्रहित किया जाता है, लेकिन क्योंकि पढ़ने के लिए डिस्क को उस जगह पर घूमना चाहिए जहां डेटा स्थित है, ऐसे ड्राइव के लिए विलंबता DRAM की तुलना में 1,00,000 गुना धीमी है। ऑप्टिकल आधारित भंडारण की घूर्णन डिस्क का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें परावर्तक कोटिंग्स होती हैं। बिट्स को एक डाई का उपयोग करके स्पॉट के रूप में इनकोड किया जाता है, जिसे लेजर द्वारा पढ़ा जा सकता है। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया सस्ते और हटाने योग्य है, पर वहीं उनमें चुंबकीय भंडारण की तुलना में और भी धीमी लेटेंसी और निम्न क्षमता होती है। दीर्घावधि भंडारण के नवीनतम और सबसे तेज प्रकार सॉलिड स्टेट ड्राइव है। इनमें कोई भी गतिशील पुर्जे नहीं होते, बल्कि इसके बजाय ये फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करते हैं, जो बिट्स को अपनी विशेष रूप से डिजाइन की गई आंतरिक संरचनाओं के भीतर बिजली के चार्ज को फंसाकर या हटाकर भंडारित करते हैं। तो ये अरबों बिट्स कितने विश्वसनीय हैं? हम कंप्यूटर मेमोरी को स्थिर और स्थायी मानते हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत तेजी से डिग्रेड हो जाती है। डिवाइस और उसके पर्यावरण से उत्पन्न गर्मी अंततः हार्ड ड्राइव को डीमैग्नेटाइज, ऑप्टिकल मीडिया की डाई को डिग्रेड और फ्लोटिंग गेटों के चार्ज को लीक कर देती। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में एक और कमजोरी भी होती है, फ्लोटिंग गेट्स पर बार बार लिखने से वो संक्षारित हो जाते हैं और अंततः बेकार हो जाते हैं। अधिकांश मौजूदा स्टोरेज मीडिया के डेटा के 10 साल से कम समय तक बचे रहने के कारण मेमोरी डिवाइसों को तेज, छोटे और अधिक टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक वस्तुओं के क्वांटम स्तर तक के भौतिक गुणों का लाभ उठाने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल मानवों और कंप्यूटरों दोनों के लिए अमर होना असंभव है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके साझा करने योग्य अधिक अध्यायों से अपनी जिज्ञासा को शांत करें।